सो वेलकम बैक टू द न्यू ट्रेन जर्नी दोस्तों। आज की जो हमारी यात्रा होने वाली है वो लुधियाना से स्टार्ट होने वाली है। पिछली जर्नी करके मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया होता हूँ, इसलिए मैं जाता हूँ अपना मुंह धोने के लिए वॉशरूम के अंदर। मुंह वगैरह धो के मैं चला जाता हूँ बाहर खाना खाने के लिए। ये जो ढाबा है ये काफ़ी अच्छा ढाबा होता है और इसी ढाबे में हम खाना खाते हैं। ये देखो नया गेस्ट आ चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा शर्माती है। दो मिक्स पराठा दो चाय, ठीक है, आ गया हमारा खाना। तो चलिए खाना वाना खाते हैं, उसके बाद यात्रा को स्टार्ट करते हैं हम लुधियाना से। सो अभी खा रहे हैं हम पराठे, मिक्स पराठे। देखिए दोपहर को पराठे चाय के साथ। कैसा है, कैसा है भाजी, कैसा है? बोलो कैसा है भाजी, अच्छा। ये देखिए तीसरा पराठा आ गया और पूछी गए दूसरा, है ना, दूसरा ही है ना, दूसरा इसका आ गया। और भाई सुबह से लिटरली कुछ नहीं खाया था, सुबह उठ के मैं 5 बजे आया था एंड इतने 3:51-4 बजे खा रहा हूँ, इसलिए हम तीन खा गए, दो ही खा पाई। ये तीसरा को ख़त्म कर रहे हैं, बट पेट भर गया, लेकिन मंगवा लिया था तो अभी खाना पड़ेगा ये, तो इसको ख़त्म कर लेते हैं। और जो हमारी ट्रेन है वो आज रीशेड्यूल कर दी गई है, 3 घंटे 4.5 घंटे कुछ ऐसा दिखा रहा है। अब स्टेशन पर जाके पता चलेगा कितना रीशेड्यूल। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सो हे गाइस एक और नई ट्रेन यात्रा में। अभी मेरी यात्रा स्टार्ट होने वाली है लुधियाना से, लेकिन जो हमारी ट्रेन है वो चलेगी अमृतसर से, ट्रेन नंबर 22446, अमृतसर कानपुर सुपरफास्ट वीकली एक्सप्रेस गाड़ी है, जो कि वीक में सिर्फ एक दिन चलती है, मंगलवार को अमृतसर से चलती है और बुधवार को कानपुर से चलती है। तो चलिए यात्रा को स्टार्ट करते हैं हम लुधियाना से। बाकी बिल्ली जा रही है मेरे साथ, फर्स्ट यात्रा है। ओए बिल्ली, जो बिल्ली है काफ़ी शर्माती है, देखो मतलब कि कैमरे से ये दूर भागती है, लेकिन मैं इसको लेके छोड़ूंगा कैमरे में। देखो जितना मर्जी बच ले आज, देखो भाई कैसे शर्मा रही है। चलो भाई अंदर चलो लुधियाना। बिल्ली बताएगी आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, कितने पे आएगी, कितने पे आएगी, 3 पर आएगी। तो 3 पे चलो, कहाँ है 3 नंबर, चलो इधर है ऊपर रास्ता, इधर इधर से चलो। क्यों शर्माती है, फोटो में नहीं आई, हाँ इंस्टाग्राम पे तो फोटो डाल दिया था भाई, इंस्टाग्राम पे इसने जट से भाई स्टोरी पोस्ट कर दिया। सो भाई टाइम देख सकते हो 7:32 हो रहे हैं, पूरी फॉग हो चुकी है स्टेशन पे एज यू कैन सी, और अभी तक हमारी गाड़ी का कोई पता ही नहीं है। पहले बोल रहे थे भाई 4 घंटे लेट है, फिर बोल रहे थे 5 घंटे लेट है, अब 5:30 घंटे हो गए भाई। दोपहर से बैठे बैठे ना हमारी हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारी ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं है। देखिए एक तो हमारी ट्रेन आई 6 घंटे और 3 मिनट लेट, और भीड़ देखो भाई क्या भीड़ चढ़ रही है यार कानपुर से। आंटी आपकी सीट कौन सी है, आंटी सीट कौन सी आपकी, तो चलो उठो ये हमारी है, हाँ गए सामान रखने, हम भी सामान रखेंगे, सामान रख के आ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। भाई देखो भाई जाने दो, देखो लुधियाना से पूरी ट्रेन पैक। और बिल्लू देखो परेशान हो गई, आंटी अभी जाएगी थोड़ी देर में अपना सामान लेके, बट बिल्लू परेशान हो गई, और बच्चा देखो वे बैठ तो गए हैं सीट पे, लेकिन बिल्लू ने मुझे डरा दिया था, ये मुझे बोल रही थी इधर हाथ उठा, क्या बोल रही थी, फोन भाई इसने मेरे को डरा दिया, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जा रही है स्लीपर में, पहले भी गई होगी शायद, नहीं गई होगी बट स्लीपर में गई है, ये पहले भी गई है, और इसने मुझे ड्रा दिया भाई, बोलती मेरा फोन। जब मैंने कॉल करा तो इसने कहाँ छिपाया था बता, कहाँ छिपाया था बता। तो अभी निकलेगी हमारी ट्रेन, तो आपकी दीवार से दिखाते हैं, ठीक है, बाकी अच्छा लग रहा है ना, थोड़ी सीटें तो हमारी ऊपर नीचे हैं दोनों, ये देखो ये भी हमारी है, और यहाँ पे रखा है बिल्लू का बैग, और यहाँ पे बिल्लू सो जाएगी रात को, ठीक है इधर सो जाएगी, बाकी ट्रेन अभी पता नहीं कब पहुंचाएगी, क्योंकि भाई 6 घंटे से भी ज़्यादा हमारी ट्रेन लेट है, रीशेड्यूल हुई है। क्या कहना है आपका, खाना पीना कुछ चाय वाय भी नहीं है, लाऊं बाहर से, क्या सेवा करें आपको, शर्माती बहुत है एंड माइंड मत करना, क्योंकि ये थोड़ी कैमरे को फेस नहीं करती ना, ये बोलती है कैमरे पे, बट भाई कैमरे के पीछे जो मेरा हाल होता है ना, वो यही जानती है कैसे कुछ हो रही है। तो चलिए अभी डिपार्चर देखते हैं, ठीक है।
सो भाई टाइम देख सकते हो 9:05 हो रहे हैं और अपनी जो ट्रेन है वो खुल चुकी है लुधियाना से। देखिए ये जो ट्रेन है ना ये 16 घंटे और कुछ मिनट लेती है जर्नी कंप्लीट करने के लिए। अब ये लेट है तो कल जितने बजे पहुँचेंगे आपको बता देंगे। और 13 इसके हॉल्ट रहने वाले हैं। ये माई ट्रेन का चौथा हॉल्ट था अपना लुधियाना। बिल्लू को मैंने डरा दिया कि मैं ट्रेन में नहीं बैठा हूँ, मैं उसको बोला कि मैं थोड़ा बाहर आया हूँ, वो देखो कैसे के खाओ खाओ खाओ। तुझे तू डर गई थी ना, सच बता डर गई थी ना। आपने वीडियो पहले भी बनाई थी मुझे याद है। नहीं अभी डालू मैं, बोल दे पक्का नहीं नहीं चाहती। ये वीडियो फिर डालना पड़ेगा। हाँ ये देखो, इसको यकीन नहीं कि मैं ये वीडियो डालूंगा, बट ये वीडियो मैं डालूंगा। बी जानून ठीक है, पहली यात्रा है, अगली यात्रा हम फर्स्ट एसी में करेंगे, वो भी कूप में ठीक है। पक्का प्रॉमिस प्रॉमिस कर। तो अगली जर्नी हमारी कूप में होगी। भाई देखिए फॉग कितनी ज़्यादा हो रही है, और एक तो मेन रीज़न ये है कि फॉग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए सारी की सारी जो ट्रेनें हैं वो लेट चल रही हैं। बाकी ये चुपचाप होके बैठ गई यहाँ पे, देखो इसको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, है ना, स्लीपर में अच्छा नहीं लग रहा ना। देख इधर अच्छा लग रहा है। बाकी ये अपनी कोच की कुछ इस तरह से स्थिति है, ये सारे भाई लोग कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं है। ऊपर भी देखो, ऊपर भाई देखो एकदम से पूरा जो सीट वाला बंदा है वो कैसे यहाँ पे बैठेगा कुछ समझ नहीं आ रही। इनका सारों का सामान है एंड कुछ इस तरह से अपनी ट्रेन है देखो। और इधर तो भाई अभी तक सीट मेंटेन करने में लगे हुए हैं लोग। जो बिल्लू है वो थक चुकी है तो इसके लिए हम स्लीपिंग बैग में इसको लिटा देते हैं, क्योंकि रात को ठंड होगी तो स्लीपिंग बैग में ये पूरी सेफ रहेगी और ठंड से बची रहेगी। तो चलो भाई निकाल लेते हैं, हम तो चादर लेके सो जाएंगे। स्लीपिंग बैग हमने बिछा दी है और बिल्लू बीच में घुस जाएगी। ये कौन है देखो कैसे घुस गई इधर, देखो कैसे घुस गई भाई ये। टाइम देख सकते हो रात के 10:09 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन देखिए 221 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो इस ट्रेन ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने 5वें हॉल्ट पे जो अपना रायपुरा। RPJ इसका स्टेशन कोड है, 2 मिनट का हॉल्ट है एंड काफ़ी ज़्यादा भीड़ रायपुरा से चढ़ रही है कानपुर जाने के लिए। टाइम देख सकते हो 10:12 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है रायपुरा से। बाकी दोस्तों रायपुरा ये अपना जंक्शन भी है, क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी जाती है धूरी बठिंडा वाली और एक जाती है अंबाला वाली। तो अभी हमारी ट्रेन पता ही आपको अंबाला वाले रूट पे जाएगी। बाकी 3 प्लेटफॉर्म थे और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई थी हमारी कानपुर अमृतसर एक्सप्रेस। सो देखिए डिपार्चर रायपुरा से, और रायपुरा एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि पंजाब में आता है एंड आई थिंक ये मैं फर्स्ट टाइम कवर कर रहा हूँ रायपुरा को। देखिए समुंदर तल से 269 मीटर की ऊंचाई पर अपना रायपुरा एंड फॉग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है एज यू कैन सी 174 किलोमीटर के आसपास है, राउंड ऑफ 200 हो गया। हाँ 200 किलोमीटर के बीच में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 100-200 300 ये देखो ना 300 की तो टिकट आपकी बन रही है। ये देखो स्लीपर का लुधियाना से बरेली के 300 हाँ 315 हो गया, इसमें राउंड ऑफ आप वही कर लो 400 कर लो। 174 किलोमीटर है ना, राउंड ऑफ आप जो है इसको जो है 100 रुपया करके चलो, यानी कि 15-20 में जाओ, 400 रुपया करके चलो, 4-6.5-600 की टिकट बनती है। मैं नहीं आई, मैं इतने ले लो कोई सब्जी नहीं है ये, इतने ले लो पक्के टिकट बनवाओ। ये देखो हाँ आप रसीद भी 174 का है, मैं राउंड ऑफ करके कहूंगा। हाँ हेलो बच्चे मैं आ रही है ट्रेन च। ये तो होगा
सो टाइम हो रहा है भाई रात के 10:40 और अमृतसर से 249 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी अमृतसर कानपुर एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुके अपने 6 हॉल्ट पे जो अपना अंबाला कैंट जंक्शन, जो अपना अंबाला ये हरियाणा में पड़ता है। आप सभी को पता होगा मैंने पीछे बताया था आपको कि भाई जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप आएगा वो हरियाणा में आएगा। बाकी अंबाला कैंट जंक्शन पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पे ये ट्रेन 5 घंटा और 55 मिनट देरी से आई है। बाकी 6 घंटे और कुछ मिनट देरी से थी लेकिन थोड़ा सा इसने टाइम कवर करा है फॉग को थोड़ा पीछे छोड़ के। बाकी देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या होता जाता है इस ट्रेन के साथ। 7 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है अपना अंबाला, जो कि अंबाला डिवीजन के नॉर्थन जोन में आता है और हमारी ट्रेन लगी है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी चली जाती है सहारनपुर वाली, जिस रूट पर हमारी गाड़ी जाएगी एक चली जाती है न्यू दिल्ली वाली। बाकी पीछे से आपको पता ही है लुधियाना वाली लाइन आ रही है। कि अंबाला को आप गेटवे ऑफ हरियाणा कह सकते हो अगर आप पंजाब से आते हो। अगर आप अंबाला आते हो तो यहाँ के छोले भटूरे खाने ना भूलिए। जैसे कि पीछे देखिए यात्री काफ़ी ज़्यादा छोले भटूरे खा रहे हैं और मैंने भी खाने थे लेकिन मुझे भूख नहीं है अभी सुबह खाएंगे क्योंकि आपको पता ही है खाना वाना खा के आए थे इतना ज़्यादा। ये अंबाला के फेवरेट छोले भटूरे जो कि यात्री अभी खा रहे हैं। बाकी चलिए ट्रेन के अंदर चलते हैं, डिपार्चर देखते हैं अंबाला से। बाकी अब सो जाएंगे भाई, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, एक बार वॉशरूम टूर कर लेंगे कि वॉशरूम की क्या स्थिति है। क्योंकि जब से मैं इस ट्रेन में बोर्ड कर रहा हूँ मैंने वॉशरूम तो देखा नहीं है इसका, कैसा है कैसा नहीं है। तो आप सभी को बताना ज़रूरी है कि स्लीपर में वॉशरूम कैसा होता है। तो डिपार्चर के बाद हम वॉशरूम देखते हैं, उसके बाद हम सो जाएंगे भाई। मन थोड़ा सा ललचा सा गया, ले ही लेते हैं यार। ये ले लिए हमने छोले कुलचे और बिल्लू ट्राई करेंगे। हेलो खाओ, चाय कैसी है? हाँ खाओ। कैसा है? बहुत अच्छा। सच बता सच। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। हेलो भाई, टेस्ट क्या बताना आपको? पहले बाहर ही बताया आपको कि अंबाला आते हो तो छोले कुलचे और छोले भटूरे जरूर ट्राई करें। बाकी डिपार्ट तो नहीं किया, अभी डिपार्ट से देखते हैं। चलिए दोस्तों वॉशरूम रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा फायर एक्सटिंग्विशर, यहाँ पे डस्टबिन मिल जाएगा, यहाँ पे भी डस्टबिन मिल जाएगा, यहाँ पे सिंक मिल जाएगा। वॉश बेसिन क्लीन है थोड़ा बहुत, लेकिन सोप में यहाँ पे होता ही नहीं सोप, और मिरर देख सकते हो क्लीन है। चलिए अंदर चलते हैं वॉशरूम के। तो ये बंद है, ये खुला है। तो भाई जैसे वॉशरूम के मैं अंदर आया तो यहाँ पे तो क्लीन है लेकिन सीरियसली वॉशरूम साफ नहीं है भाई। वॉशरूम बहुत ज़्यादा गंदा है और ये गलती है गंदे लोगों की जो कि फ्लश नहीं करते हैं। अब रेलवे कितनी बार भाई साफ करे। हाँ रेलवे की गलती है लेकिन सबसे बड़ी मुझे गलती लगती है लोगों की जो कि फ्लश ही नहीं करते हैं। बाकी पानी देख लेते हैं, पानी तो भाई चल रहा है लेकिन लोगों ने फिर भी फ्लश नहीं करा। शेम ऑन नहीं बाबा, लोगों की गलती ये भी थोड़ा एन हुआ। हाँ ठीक हरामी ने। हाँ मेरी गल गलत तो नहीं 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 बाबा सही है थोड़ी गल। सही है थोड़ी। अच्छा जे मैं उठे जाके पेशाब कर सकता है, मैं लैटरिंग कर सकता है, पानी नहीं छोड़ सकता, मैं पानी नहीं छोड़ सकता। बस 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 नहीं नहीं सही गल हकीकत है। और दूजी मदद तुम्हें मेरी बनाई जाना है। हाँ 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 मेरी गल दे विच एक भी गल दा फर्क होते मैं तुम्हारी गल ते सहमत है। मैं ए रेलवे नु ट्वीट करनी मैं वीडियो है। सुबह टाइम देख सकते हो 11:11 हो रहा है और अपनी ट्रेन वो निकल चुकी है भाई अंबाला से। बोलता सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हमारा दूसरा दिन है कानपुर अमृतसर एक्सप्रेस में और जैसे मैं सुबह उठा मैंने क्या देखा, इसमें पानी ही नहीं है। ये भाई लोग ब्रश कर रहे हैं। पानी कहाँ से ले रहे हो? पानी खरीद के ले रहे हो? कोल्ड ड्रिंक से कर लो, कोल्ड ड्रिंक से कर लो। और भाई रात को मैं उठा था, एक बाबा बता रहे थे, मैं कुल्ला करने के लिए उतरा, इधर घूमा, अगले कोच में घूमा, उससे अगले कोच में घूमा, उससे अगले, बट कोई भी मतलब कोच में पानी नहीं है। एक तो ये लेट चल रही है, अब लेट पता कितना चल रही है, 9 घंटे और 2 मिनट लेट चल रही है। फिलहाल अभी ये खड़ी है बरेली जंक्शन पे, तो चलिए बरेली जंक्शन का थोड़ा सा बाहर देख लेते हैं। एंड भाई क्या ही बताऊँ, इतनी लेट भी नहीं करो यार ट्रेन को, पानी तो भर दो एटलीस्ट यार, कोई इज्जत करो यात्रियों की। इसमें पानी है इसमें क्या?
किधर पानी नहीं है, पूरी तमाम ट्रेन में भाई पानी नहीं है। बाकी ये अपना बरेली, काफी ज्यादा फॉग हो चुके हैं यहाँ पे, और एक नंबर पे लगी है हमारी कानपुर अमृतसर एक्सप्रेस। सिग्नल हो चुका है देखिए, और 11वां हॉल था हमारी ट्रेन का बरेली। बाकी देखिए भाई डिपार्चर, ठंड काफी ज्यादा हो चुकी है बाहर कोहरे की वजह से, और कोहरे की वजह से ही ट्रेनें और ज्यादा लेट होती जा रही हैं। जैसे जैसे धूप निकलेगी वैसे वैसे कोहरा खत्म होने की संभावना है, बट यहाँ तो कुछ ज्यादा ही कोहरा देखने को मिल रहा है, इतना तो हमारे साइड नहीं होता है। 8:01 हो गया तो 5 घंटे लगा लो। जंक्शन, बाकी अगर आप चंदोसी, पीलीभीत, लालकुआं और खासगंज जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे उतर सकते हो। ये ब्रांच लाइन ही है, ये ब्रांच लाइन्स हैं, और मेन लाइन पीछे से आपको पता ही अपनी सहारनपुर वाली और आगे बालामऊ तक जाएगी, फिर ये डाइवर्ट हो जाएगी उन्नाव वाले रोड पे। बाकी सैल्यूट है इनको जो बेचारे कोहरा ना देखते हैं, ठंड ना देखते हैं, गर्मी ना देखते हैं, और अपनी ड्यूटी करने के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। भाई 70 की स्पीड से ऊपर नहीं जाएगी, बाहर फॉग हो चुकी है, एंड ये हमारी ट्रेन, और ये अभी तक सोई पड़ी है। उठ जाए बताया तो हरा मारा तो मैं बोला 10 बजने को है, लेकिन हमारी ट्रेन अभी शाहजहांपुर भी नहीं पहुंची है। हॉल्ट तो इसका नहीं है शाहजहांपुर, लेकिन बहुत लेट हो गई। अमृतसर जयनगर, सो दोस्तों टाइम देख सकते हो आप, 1:16 हो रहे हैं, और अमृतसर से 760 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी ट्रेन ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने 12th हॉल्ट पे, जो अपना बालामऊ जंक्शन। और यहाँ पे ये ट्रेन लगभग 11:56 यानी कि 11 hours and 56 minutes देरी से आई है। बालामऊ से हमारी जो ट्रेन का इंजन है वो चेंज होगा, यहाँ से एक लाइन लखनऊ को जाती है और एक उन्नाव कानपुर वाली। अभी हमारी ट्रेन जाएगी उन्नाव कानपुर वाले यहाँ से, बाकी सामने से आ रही है अहमदाबाद सुल्तानपुर। बाकी अभी जाते हैं बालामऊ जंक्शन के बाहर, कुछ देखते हैं भाई खाने के लिए मिल जाए। सर में इतनी दर्द कर रही है ना भाई, क्या ही बताऊँ मैं, कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया भाई, चाय तक नहीं पी है। बाकी यहाँ पीनट्स मिल रहे हैं, ये लेते हैं। ये देखिए बाहर भैया बेच रहे हैं स्टेशन के। ये रुपये से कौन जो करता है तोलता है, मतलब बात है ना इतना। अच्छा अच्छा हाँ। बाकी ये टिक्की खाते हैं भाई यहाँ से, बाकी भैया से पानी पूरी खाते हैं भाई। तो अभी हम खा रहे हैं भाई, ये बाहर से मैंने सामान लाया, ब्रेकफास्ट कर रही है। ये समोसे हैं, और ये क्या है, क्या है ये, खा के दिखा। ये चाट खा रही है, कैसा चाट, बहुत टेस्टी है यार, है ना, बहुत टेस्टी। अभी चार कैसे हो जी, 1:47 हो रहे हैं, और अपनी ट्रेन है वो निकल चुकी है बालामऊ से। बाकी रात के 1:30 टाइम था भाई, सीधे सीधे 12 घंटे लेट डिपार्ट किया है। अब देखते हैं कानपुर कब पहुँचाती है भाई। बाकी यहाँ पे चल रही है हमारी चाय और ये समोसे भाई। ये जो मिठाई है ना हमने बाहर से लिए, काफ़ी अच्छी है, बहुत टेस्टी है ये। आपने खाई है, खाओ क्या की है, बहुत टेस्टी है। अगर आप बालामऊ आते तो ये दूर दूर ट्राई करना, हरी वाली बर्फी, क्या बोलते, अच्छा
ये देखिए भाई परशुराम जी के शिष्य परशु लेके खड़े हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बोल भाई गॉड, भाई गॉड बहुत अच्छा है। आगे कंटी को मिला नहीं, इसमें अच्छा बहुत अच्छा है। ये भर रही है चटनी भी। एक मिनट शूट करने दो, एक मिनट। स्प्राइट, इसको पीनी है स्प्राइट। और टाइम देखो भाई, 4 बजने वाले हैं। फाइनली अमृतसर से 880 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी अमृतसर कानपुर एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने लास्ट हॉल्ट पे, जो अपना उन्नाव। ओएन इसका स्टेशन कोड है, 2 मिनट का हॉल्ट है उन्नाव। उसका टाइम था वो सुबह 4:14 पे, लेकिन 54 यानी 54 मिनट पे आई है। हम मतलब 12 घंटे लगा लो आप, लेट चल रही है अभी। जो हमारी ट्रेन है वो पूरी की पूरी खाली हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हो। 3:56 यानी कि 3:56 पे डिपार्चर हमारी ट्रेन का उन्नाव से। देखिए भाई, निकल गए अपनी गाड़ी उन्नाव से। ये आगे भाई हो गंगा, सूखी पड़ी है गंगा। दोस्तों शाम के 4:50 हो रहे हैं और पूरे 12 घंटे लेट हमारी ट्रेन ने हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया, जो अपना कानपुर सेंट्रल। और अब मुझे पता चला कि ट्रेनों को रीशेड्यूल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो मेरी इससे अगली वाली ट्रेन है उसको भी रीशेड्यूल कर दिया गया। उसका 5 बजे टाइम था कानपुर से, लेकिन वो 7 बजे के आसपास चली गई। अभी भाई रीज़न एक ही है, एक तो कोहरा पड़ रहा है और कुछ जगह पे ट्रेन के जो ट्रैक होते हैं उनका काम चल रहा है। अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो बिल्ली बताइए कैसा लगा जाने के लिए? परेशान हो गई। क्यों परेशान क्यों हुई? बहुत लेट थी। तो ये बोल रही है कि परेशान हो गई है और बहुत लेट थी, बाकी जर्नी अच्छी रही ना? ठीक है, तो नेक्स्ट बार बताइए हम कौन सी जर्नी करें। बाय बाय।